और अब तो एक बच्चा भी अचानक बड़ा हो रहा है, MNS। अचानक से उसको क्या मालूम क्या हो जाता, अचानक रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं, मस्जिद में लाउडस्पीकर क्यों है, अजान देने के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है, तेरे को क्या करना है भाई। अबे 1400 साल से अजाने दी जा रही है, रुकने वाले नहीं है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना, डरते नहीं किसी से भी, डर नहीं है किसी के बाप का भी। अरे हमारी अजान, अरे कभी सुन के तो देख ले मेरे भाई, मालूम पड़ेगा क्या विकास है। पांगी की आवाज तो सुन ले पूरी, तू बोलेगा रोज बजाओ, मेरे घर के बाहर बजाओ, मेरे घर के अंदर बजाओ। हमारी एक मिनट की आजाद तुमको इतनी भारी पड़ गई, रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? अरे क्या मुझे आपको शौक है क्या रस्ते पे नमाज पढ़ने का? अरे क्या शौक है क्या हमको ये बारिश में धूप में रस्ते में नमाज पढ़ने का शौक है क्या हमको? अरे जगह नहीं है इसलिए पढ़ते हैं, मजबूरी जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब तुम्हारे गुंडे रस्ते में उतर उतर के ट्रैफिक को रोकते हैं, लोगों को मारते हैं, रास्ता का अस्त व्यस्त करते हैं, जब तकलीफ नहीं हुई, हमारी अजान से तकलीफ हो गई। अरे जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब कासिम चिल्ला चिल्ला के सियासत के पहले ये इसी तरह की ऊंची हरकत करेगा सबको पता था, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा, उजाड़वा दिया है, उजाड़वा दिया। हमारे रिलीजन मैटर में इंटरफेयर करेंगे। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारा तो वो देश है, गंगा जमुना सरस्वती का पति क्या हमारा देश, हम तो हर त्योहार मनाते हैं, तुम्हारी माँ आरती चलती है जब रस्ते पे घंटियां बजाते हैं, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, अपन लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं भाई। अरे गणपति के फेस्टिवल में 10 दिन तक रस्ते पे ट्रैफिक ढोल बाजा सब बजता है ना, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते ना भाई, फिर तुमको क्या ऑब्जेक्शन। बंद करो अपनी ये गंदी सियासत और बंद करो अपनी ये गंदी राजनीति, क्योंकि अब तो मेरा मराठी मानुस भाई भी समझ गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवा बोलने का, मुसलमानों के खिलाफ बोलो या से वोट लो, मुसलमानों को गाली दो या वोट लो, लेकिन अब गाली दोगे तो यहां भी लात खाओगे, पब्लिक भी लात मारेगी, सब लात खाओगे, जनार्दन है भाई, पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। और इसको तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुस मैं तुमको बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी बात गौर से, सुनो मेरी बात गौर से, महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख मराठा किंग जिनको बोलते थे आदरणीय बालासाहेब ठाकरे साहब, उनके घर में जन्म लिया, उनके खानदान से नाम मिला ठाकरे, उनकी उंगली पकड़ के बचपन में आगे बढ़े, चलना सीखा, उनकी उंगली पकड़ के सियासत सीखी, उनके नाम से नाम बनाया, उनके नाम से शौहरत हासिल की, और नाम दौलत शौहरत सब हासिल करने के बाद क्या किया तुमने ठाकरे परिवार के साथ, उनके भी पीठ पर तुमने छुरा फोड़ा। सुनो मराठी मानुष से बात हकीकत है, ये तुम्हारा नहीं हुआ,
ये ठाकरे परिवार का नहीं हुआ, ये उद्धव ठाकरे का नहीं हुआ, तो ये मेरे मराठी मानुष भाई तो तुम्हारा क्या होगा? आप सोचना तुम्हारे हाथ में सोचो, ये वो है आज हमको छेड़ा। अरे हमने एक चीज बोला भाई, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, और अगर छेड़ा तो फिर छोड़ देंगे। अभी तुमने छेड़ा ना, अरे इतना इसके रोता है क्या बच्चे? आगे आगे देख होता है क्या? पास 19 थे, एक आ गया, एक से जीरो हो गए। तीसरी से राजनीति, अरे कुछ बता ना, क्या काम करेंगे तुम महाराष्ट्र के आवाम के लिए? क्या करेंगे? नहीं सिर्फ रिलीजन, हमारे जाति मामला पे दखलबाजी करेंगे, वंशी बुनियाद पर तुमको वोट नहीं मिलेगा। मराठी मानुष भाई भी बहुत होशियार हो गया है, समझ गया है ये गंदी राजनीति में अब नहीं आना। अब ऐसी पार्टी के साथ जाओ जो विकास की बात करती है, जॉब देने की बात करती है, हमारे मसले मसाइलों को अवाम असेंबली में और अवाम पार्लियामेंट में उठाती है, उसके साथ जाएगा हर इंसान हर शख्स। आज हाँ उसको बोल रहे हैं साइलेंट हो जाओ बच्चा है, नहीं तो हम लोग वायलेंट हो गए। हद में रहो, सरहद में रहो, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हाँ हम लोग कायदे कानून का पालन करते हुए हमारी नमाजें भी अदा करते हैं, हमारी अजान भी देते हैं, सब दे रहे हैं 1400 साल से। इंशाअल्लाह अल्लाह सुभान व तआला ने चाहा तो आगे भी चलेगा। तुम्हारी बातों का कोई बोल नहीं है, कोई गौर भी नहीं करता है, हटाओ तो अभी हटाओ, साइड में कोई ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। मराठा मानुष ने यहाँ बिठाया, बात में नीचे डाल दिया। मेरा ठाकरे परिवार के साथ क्या किया आपने देखा ना, छोड़ दिया नाम दौलत शौहरत कमाने के बाद। नहीं राजनीति ये नहीं, राजनेता वो है, लीडर वो है, इंसान वो है, पावरफुल इंसान वो है। वहां पर इनका चेहरा तो मैं भी थोड़ी देर में बेनकाब करता हूं।